मेदिनीनगर नगर पालिका के पूर्व नगर अध्यक्ष पूनम सिंह ने वर्तमान नगर निगम महापौर अरुणा शंकर को सोच समझकर बयान देने की नसीहत दी है। मेयर साहिबा को पहले हर चीज का जानकारी ले लेना चाहिए, उसके बाद बोलना चाहिए। ये दूसरी बार हो गया आप लोग के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उनको बोलते हुए कि पूर्व के अध्यक्ष द्वारा दीनदयाल मार्ग को बंद कर दिया गया था, जिसको हम खुलवाएंगे। ये जनता के बीच शाबाशी लूट रही हैं। जो अच्छा काम होता तो पूर्व अध्यक्ष का नाम नहीं आता, तो खराब काम कर रही हैं तो मेरे सर ठिकरा फोड़ रही हैं और जनता को भ्रमित कर रही हैं कि पूर्व अध्यक्ष के द्वारा किया गया था। मेयर का कहना खुद अपने मुंह से कह रही है कि ये पूर्व अध्यक्ष के द्वारा किया गया है। अब धीरे धीरे देखिए और सुनने को मिलेगा कि मेरे द्वारा क्या क्या किया गया है। प्रेस वार्ता में वर्तमान मेयर की बातों से खफा पूर्व नगर अध्यक्ष ने जेल हाता स्थित दीनदयाल मार्ग के संबंध में मीडिया को दिए उनके बयान पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि अरुणा शंकर उनके और उनके परिवार के ऊपर गलत आरोप लगा रही हैं। हम आपको बता दें कि हाल ही में दीनदयाल मार्ग खोलने को लेकर नगर निगम की महापौर अरुणा शंकर ने यह बयान दिया था कि नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष द्वारा तालाब के बगल में स्थित दीनदयाल मार्ग का DPR में अतिक्रमण कर लिया गया था, जिसे उनके प्रयासों के द्वारा खुलवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, पूर्व नगर अध्यक्ष पूनम सिंह ने वर्तमान मेयर के क्रियाकलापों को कठघरे में खड़ा करते हुए यह आरोप भी लगाया कि पूर्व में प्रस्तावित दोनों तालाबों को जोड़ना, फ्लाईओवर बनवाना, तालाब का गहरीकरण करवाना और स्थानीय लोगों के लिए नौका विहार की व्यवस्था करना, ये सारे कार्य कागजों में सिमट कर रह गए और विकास के नाम पर सिर्फ रुपयों की लूट हुई। पूनम सिंह ने कहा कि मेयर साहिबा मिट्टी पर घास बिछा कर छोटी वाहवाही बटोर रही है। साथ ही साथ उन्होंने बंदरबाट की उच्च स्तरीय जाँच की मांग भी की है। पूर्व में जो DPR तैयार है मेरे समय, उसका सारा उल्टा काम हुआ है। दोनों तालाब को जोड़ना था DPR में, और तो देखने का चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं निकलवा कर, और फ्लाई ओवर बनाना था तो तालाब में गंदगी भर दिया गया है। कहाँ दोनों तालाब को जोड़ा गया है, कहाँ फ्लाई ओवर बनाया गया है। इसमें फिल्टर लगाना था तालाब में गंदगी साफ करने के लिए। नौका विहार का ही था, अंडरग्राउंड था, दोनों तालाब में आदमी आनंद लेते नौका विहार का। कहाँ कोई काम हुआ है, ना गहरीकरण हुआ है, मछली पालन करना था इसमें, ना सौंदर्यीकरण के नाम पर लूट मचा हुआ है। केवल घास, मिट्टी पर घास बिछा दिया गया है और हम इस सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं।